इन्ना क जड़ा उन्हें इंडिया नू रेटल कीता उन्हें कि इन्होंने अपनी जड़ी हडसन इंस्टीट्यूट राही जड़ा है वो काउंटर जिदे च उन्होंने सारी खालिस्तानी लहर नू पाकिस्तान ते IS दे खाते च पाण दे लई जड़ी है जाली जी रिपोर्ट तैयार करवाई जिदा कोई सिर मूँह नहीं सी। और इन्हों का हुण इह है भी क्योंकि चाइना नू जिथे फौजी तौर पर घेरन की लाइन है, जिवें बाइडन ने एक एड्रैस दे विच कहा कि जी जे ताइवान के उत्ते चीन हमला, उन्हें रिपोर्टर ने एक ने पूछा प्रेसमैन ने कि जी हमला करे तो की करोगे, बाइडन ने कहा जी असी डिफेंड करांगे उन्हों। लेकिन अमरीका की यह कोशिश है कि चाइना नू हर फ्रंट पर घेरिया जाए, जिवें WHO ये जी कि COVID-19 का ओरिजन वुहान च होया, लैबोरेटरी च होया, बायोलॉजिकल वैपन सी कि नहीं सी। इंडिया सब तो अगे अगे सी चीन नू क्रिटिसाइज करन लई, उन्होंने कहा भी आ जिहड़े वीगर मुसलमाना जां दूजा दा इंडिया वालियां नू पहला पुछ लो कि ये कश्मीर च की कर रहे हैं, की कर रहे हैं। इंटरनेट स्नैप्ड इन एरियाज ऑफ कश्मीर, टू व्हीलर सीज अहेड ऑफ अमित शाह विजिट, वो जा रहा है और उत्थे इंटरनेट स्नैप कर दिता ने। 79 केसिज बुकड अंडर अनलॉफुल कन्वर्शन लॉ इन UP, और ये उन्होंने कहा जी इन्हों जबरदस्ती मुसलमान बना रहे, मतलब मुसलमाना हरास कर UP का गुंडा योगी कोई मौका हथों नहीं, भारत भर च ही चल रहा। और वो जो एलोकेटेड एरिया वो फ्राइडे की नमाज मुसलमान पढ़ रहे थे और हिंदू तवियां की भीड़ ने जाके उत्थे जय श्री राम और दूजे तीजे नारे लाने शुरू कर दिए। चाइना तो जो कर रहा है वह तो कम्यूनिजम के नाँ थले कर रहा है, उन्होंने तो कदे नहीं क्लेम किया कि जी असी डेमोक्रेसी हाँ, असी जमहूरीत है, पर जो इंडिया कर रहा है डेमोक्रेसी के नाँ थले हाँ ये सब तो ज्यादा कंडेमनेबल है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। स्वेंड वाले सैक्शन के व्यूअर्स आप गलबात कर जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशनज में चीन वालों घट गिनतियां नाल कीते जांदे सलूक संबंधी चर्चा दौरान पाकिस्तान ने भारत नूं कश्मीर मुद्दे ते करड़े जड़े ने हथी लिया है। सो भारतीय नुमाइंदे ने इस दे उत्ते काफ़ी चीकां मारदिया पाकिस्तान ते जवाबी जड़ा हमला किया है। सो इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जा रही है। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना, देखण सुनणियां लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो साड़ी पाकिस्तान दे डिप्लोमैट्स तो ये मंग भी हुंदी सी ते शिकायत भी हुंदी सी कि वो इंटरनेशनल फोरम्स दे उत्ते खास तौर पर यूनाइटेड नेशनस च एग्रेसिव लाइन नहीं लैंदे अगेंस्ट इंडिया जी। लेकिन पिछले पीरियड च ये मैं देख रहा हैं कि एक तो जो सीधी डिबेट हुंदी है वो ह्यूमन राइट्स इशू ते ह्यूमन राइट कौंसल च होए जनीवा जां कोई होर, उहदे च तां उन्होंने इस बार जिवें पाकिस्तान की हकूमत ने एक पूरा डोजियर टैरोरिज्म दे उत्ते कि इंडिया किवें टैरोरिज्म कर रहा है पाकिस्तान च 40+ पेजिस का दिता है। हालांकि कोई मीडिया च मैं नहीं बहुता देखिया कि भाई उहदी डिटेल, मैं भी चाहिया भी उहदी कॉपी मिले ताकि असीं भी डिस्कस कर सकीए, पर इहदे च कोई शक नहीं है कि वह उन्हां दा मूव इन्ना क जिहड़ा उन्हें इंडिया नूं रैटल कीता उन्हें कि इन्हां ने अपनी जिहड़ी हडसन इंस्टीट्यूट राही जिहड़ा है वो काउंटर जिहदे च उन्होंने सारी खालिस्तानी लहर नूं पाकिस्तान ते IS दे खाते च पाण दे लई जिहड़ी है जाली जिही रिपोर्ट तैयार करवाई जिहदा कोई सिर मूँह नहीं सी। लेकिन ये पहली बार सी कि UN जनरल असैम्बली दे सैशन तो पहला पाकिस्तान ने वार कीता ते इंडिया ने उहदे ते रिएक्ट कीता। रिएक्शन वाला जिहड़ा हमेशा वो लूजिंग ग्राउंड ते ही खलोता हुंदा है, कंट्रोल उहदे कोल हुंदा है जिहड़ा एक्ट कर रहा हुंदा है। हुण बीते कल जिहड़ा यूनाइटेड नेशनस दे विच क्योंकि अमरीका जिहड़ा हुण तक ह्यूमन राइट कौंसल चों भी बाहर होया होया सी, ट्रंप पीरियड दे विच निकल गया सी, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन चों भी निकल गया सी, क्लाइमेट चों भी निकल गया सी, क्लाइमेट वाले जिहड़े एग्रीमेंट चों, लेकिन बाइडन ने आंदे ही वापस हो आया। और इन्हों का हुण यह है भी क्योंकि चाइना नू जिथे फौजी तौर पर घेरन की लाइन है, जिवें बाइडन ने एक एड्रैस दे विच कहा कि जी जे ताइवान दे उत्ते चीन हमला, उन्हें रिपोर्टर ने एक ने पूछा प्रेसमैन ने कि जी हमला करे तो की करोगे, बाइडन ने कहा जी असी डिफेंड करांगे उन्हों। हालां बाद च वाइट हाउस ने इस दे उत्ते क्योंकि चीन ने बड़ा स्ट्रोंग रिएक्शन दिता है, उन्होंने क्योंकि अमरीका तो जदों चीन नाल कम्यूनीकेशन खोली है, वन चाइना पॉलिसी मनी तो खोली, लेकिन वाइट हाउस ने उन्हों जिहड़ा बाइडन दे कहा उहदे उत्ते थोड़ा बहुत उन्हों टोन डाउन किया। लेकिन अमरीका की यह कोशिश है कि चाइना नू हर फ्रंट पर घेरिया जाए, जिवें WHO ये जी कि COVID-19 का ओरिजन
वुहान च होया लबोरटरी च होया बायोलॉजिकल वैपन सी के नहीं सी हूँ इस तरह जेड़ा इशू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी चुकया सी पर बाइडन बहुत ह्यूमन राइट के मुद्दे से जिन्होंने वीगर मुस्लिम कहते हैं सिंह क्यांग दे विच और क्योंकि अफगानिस्तान हूँ अमरीका बाहर है चीन का रोल मोर एग्रेसिव है सो हर फ्रंट के उत्ते वीगर मुसलमाना का इशू जोड़ा उन्होंने सिंह क्यांग च और चीन ज्यादती भी करता उन्होंने ये नहीं है शक क्योंकि उन्होंने अपनी उन्होंने कम्यूनिज्म की आइडियोलॉजी है और उन्होंने एक रंग च रंगण के लिए उन्होंने ये लगता है कि भाई ये जे इन का अपना रहेगा इसलिए मसीत किमें दियाँ रंग की होए बोली की होए फलाना की होए रोजे रखने रखण देने ने नहीं बहुत सारे इस किस्म के ने असी डिफेंड नहीं करते पाकिस्तान भी इस गल नूं समझदा है पर जो इमरान खान ये पूछा जाता है जो पूछा गया पिछले पीरियड उन्होंने कहा जी ठीक है तुसी दोस्त दे नाल गल जिहड़ी आ अंदर बह के कर दिओ एंड वी नो दिस वी हैव अवर कंसर्न पर असी जिहड़ा वो बाहर खे नहीं उड़ांदे लेकिन अमरीका लई तां और इंडिया इस वेले क्योंकि इन्हां दी कच्च वड़िया होया सो उन्होंने अमरीका ने वीगर मुसलमाना दे मुद्दे नूं लै के चीन नूं घेरण दे लई जड़ा वो जिसे ह्यूमन राइट्स वॉच वाले भी आए दूसरा भी होया और 43 नेशनस जड़े ने वो एक क्लब आउट होए इस मुद्दे दे उत्ते चीन दे खिलाफ जड़ा लेकिन पाकिस्तान ने जड़ा इस सारे चीन नू उन्होंने डिफेंड भी किया उन्होंने कहा कि वी कमेंड चाइनाज मॉडल ऑफ इनकलूसिव डिवेलपमेंट सोशल प्रोटेक्शन इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस माइनोरिटीज ये तो चलो अपने यार नूं ही खुश कीता है समझ आ सकदा है लेकिन जेड़ा गल साडे मतलब दी ज्यादा है कि भी इस मौके दे उत्ते उन्होंने जेड़ा पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव उन्हें जम्मू कश्मीर दा इशू क्योंकि इंडिया सब तो अगे अगे सी चीन नूं क्रिटिसाइज करन लई उन्होंने कहा भी आ जेड़े वीगर मुसलमाना जां दूजा दा इंडिया वालियां नूं पहलां पुछ लो कि ये कश्मीर च की कर रहे हैं भारत दे मुसलमानां नाल की कर रहे हैं किवें इन्हां ने जिस यूएन दे फोरम ते खलो के गल कर रहे हैं उदे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दे रेजोल्यूशनस नूं इन्होंने फलाउट करके डिस्प्यूटेड टेरिटरी नूं जिहड़ा जिस अंदाज उत्थे लोकां दे नाल और गल गलत नहीं सी अज भी जदों असी ये गल कर रहे हैं असी बराबर खबरां देख सकते हैं इंटरनेट स्नैप्ड इन एरियाज ऑफ कश्मीर टू व्हीलर सीज अहेड ऑफ अमित शाह विजिट वो जा रहा है और उत्थे इंटरनेट स्नैप कर दिता ने कर दिता है और दो टू व्हीलर जड़े ने उन्होंने जब्ती चल रही है हूँ असी यूपी के हवाले नाल अज खबर देख रहे हैं 79 केसिस बुकड अंडर अनलाफुल कन्वर्शन लॉ इन यूपी और ये उन्होंने कहा जी इन्हों जबरदस्ती मुसलमान बना रहे मतलब मुसलमाना हरास कर यूपी का गुंडा योगी कोई मौका हथों नहीं भारत भर च ही चल रहा है फिर असी कला यही नहीं कि उत्थे इंटरनेट और दूसरा स्नैप किया है ओवर 700 हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अहेड ऑफ अमित शाह विजिट हूँ अमित शाह ने जाना है 700 बंदे जड़े ने वो श्रीनगर के उन्होंने जड़ा वो गिरफ्तार किए हुए हैं हूँ ये सारे कोर्ट भी और ईवन हरियाणा के हवाले नाल असी देख रहे हैं फ्राइडे नमाज डिसरप्टेड येट अगेन इन हरियाणा गुरुग्राम जो गुड़गावा होंदा सी उहदे च और वो जड़ा एलोकेटेड एरिया उहदे च फ्राइडे की नमाज मुसलमान पढ़ रहे सी और हिंदू तविया की भीड़ ने जाके उत्थे जय श्री राम और दूजे तीजे नारे लाने शुरू कर दिते सो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक एन टिकाने दे उत्ते कीता और इंडियन जो रिप्रजेंटेटिव ने रैटल हो गए इस कि भी उन्होंने तो उम्मीद नहीं सी कि भी ये तो उन्होंने कहा जी चीन की गल तो तुम जो कर रहे हो पहला आप देखो तुम की कर रहे हो जम्मू कश्मीर की कर रहे हो दूजा और इंडिया ने फिर काउंटर अटैक जिवें हुंदा और इन्होंने तो इंडियन मीडिया ने अपनी ही खबरां लाइया हुई ने इंडिया कंडेम्स अब्यूज ऑफ यूएन प्लेटफॉर्म्स बाई पाकिस्तान टू प्रोपेगेट फॉल्स मैलीशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इट उन्होंने कहा जी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशनस के फोरम नू इस प्लेटफॉर्म नू यूज कर रहा है अपना झूठा प्रोपेगेंडा करन लई उन्हां दा आशीष शर्मा फर्स्ट सैकटरी जड़ा है वो कह रहा है कि भी ये जड़ा है वी डिसमिस एंड कंडेम ऑल सच एफर्ट्स विद द कंटेम्प्ट दे डिजर्व ए नफरत नाल भरे हुए लेकिन मैं समझदा भी ये एक पॉजिटिव डिवेलपमेंट है जिहदे च ये मोर रैटल्ड ने और झूठ का लैवल यह है कि जम्मू कश्मीर का इशू जड़ा चुकया उन्होंने पाकिस्तान ने उहदे बारे वो कह रहा है कि हुण जड़ा है द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय मोर फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स
सिंस ऑल यूनियन लॉज नाउ अप्लाई देयर के उत्थे जी सारे हुण तां उन्हां नूं बहुत फ्रीडम हो गई है विमेन इन पर्टिकुलर रैलिश ग्रेटर राइट्स एंड फ्रीडम दैन एवर बिफोर इदां औरतां कदे खुश नहीं जम्मू कश्मीर जी उन्हें उन्हां नूं हक मिल गए ने वी स्ट्रोंगली ऑब्जेक्ट टू एनी अटैम्प्ट टू पोलिटिसाइज डिवेलपमेंट इशूज वो है ही पोलिटिकल इशू है इसे लिए तुहाडा प्यो नहरू लैके गया सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दे विच लेकिन मैं जिहड़ा कमेंट करना चाहुंदा है पाकिस्तान दे डिप्लोमैट्स नूं कि उन्होंने इस इशू नूं जिहड़ा हाईलाइट कीता और शीशा दिखाया कि भी चाइना तो जो कर रहा है वह तो कम्यूनिज्म के नाँ थले कर रहा है उन्होंने तो कदे नहीं क्लेम किया है कि जी असी डेमोक्रेसी हाँ असी जमहूरीत है पर जो इंडिया कर रहा है डेमोक्रेसी के नाँ थले हाँ ये सब तो ज्यादा कंडेमनेबल है और जिवें असी अखीर दे विच रूहानी विचार करते हैं श्री राग गुरु नानक साहब का सब तो पसंदीदा राग उसके शब्दों के विचार चल रही है अज भी गुरु नानक साहब का ही शब्द है श्री राग महला पहला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा पर मल मुख शुद्धि अगन क्रोध चंडाल रसकस आप सलाहना ए करम मेरे करतार बाबा बोली है पत हुए उत्तम से दर उत्तम कही है नीच करम बै रोए रहाओ जिवें रहाओ दी तुक जा लाइन सेंट्रल आइडिया हुंदा शब्द दा इस शब्द दे विच वी रहाओ दी तुक च गुरु साहब फरमांदे ने कि इंसान अपनी जिंदगी दे विच उही बोल बोले उही काम करे उस किस्म दा जीवन जीवे जिस नाल रब दी दरगाह दे विच उस नूं ऑनर मिले पत असीं जिहड़ा है ओह ऑनर नूं कहिंदे आ इज्जत नूं कहिंदे आ बाबा बोली है पत होए कि उही असीं कहीए जिस दे नाल रब दी दरगाह च असीं पतवंते बन सकीए उत्तम सेदर उत्तम कही है नीच करम बैर होए कि जिन्हां दी जिंदगी सच दे उत्ते पतवान हो के होएगी वह उस दे दरबार दे विच रब दी दरगाह दे विच उन्हां नूं उत्तम दर्जा हासिल होएगा ते जिहड़े माड़े ने नीवे कर्म करन वाले ने वह पछताणगे रोणगे दहाड़ा मारनगे और उन्होंने फिर जिहड़े लोग माया दे विच फसे हुए ने वह किस किस्म की उन्हां दी जिंदगी है लब कुत्ता उन्होंने कहा भी एक पास हुण इहदे च जिहड़े अलंकार इस्तेमाल गुरु साहब ने किते ने ये ना मन्या जाए कि भाई उन्हां नूं माड़ा क्या है पर क्योंकि इंसान अपने आप नूं सुपीरियर समझदा है वह कुत्ते नूं नहीं माड़ा कहिंदा है समाज दे विच जिहड़े विचारे सफाई का काम करने वाले लोग सी जिन्हां दे उस जमाने चूड़ा लफज इस्तेमाल किया जाता सी उस नूं माड़ा कहा जाता सी मुरदार हुण मुरदा मीट खा मरे हुए जानवर का मीट खाना इहनूं माड़ा मन्या जाता सी और इस तरह जिहड़ा जिहड़े लोग बैठे सारा दिन दूसरियां दी निंदिया करदे ने क्रोध दे विच तपे हुंदे ने हुण गुरु साहब ने जिहड़े इंसानी कमजोरियां ने सारियां उन्हां नूं इह कहा कि एक पासे पतवान ओह ने जिहड़े उही बोलदे ने उही करदे ने जो रब दे दर ते प्रवान ने पर उन्होंने ये फरमाया कि भाई तेरे अंदर जिहड़ी लालच है ग्रीड है लब कुत्ता तू तेरे अंदर एक कुत्ता पक्का बैठा होया है जदों तुसीं लालच दे विच फसदे हैं कूड़ चूड़ा तू झूठ बोलदे वैसे तुसीं उन्हूं सफाई करन वाले नूं नीवां गिणदे हो पर सब तो बदतर तेरे अंदर बैठा होया जिहड़ा है वह कूड़ है झूठ है ठग खादा मुरदार के मुरदार माड़ा मन्या जांदा मड़िया पर तू जिहड़ा ठगियां करके खांदा है लोकां नूं लुट के खांदा है पर निंदा पर मल मुख सुधी कि बई ये जिहड़ी तू बगानी निंदा करदा है बगानियां दी ये सीधी तेरे अंदर ये नफरत भरी हुई है अगन क्रोध चंडाल और ये जिहड़ा एंगर दे विच रहना है क्रोध दे विच रहना है चंडाल भी माड़ा मन्या जांदा सी जिहड़ा जिहड़े लोग बुचर और दूसरे ने उन्हां लई चंडाल लफज भी सी कसाई चंडाल कि बई तेरे अंदर जिहड़ा क्रोध है वह तां चंडाल वांग है फिर रसकस आप सलाहना ये करम मेरे करतार कि भी असी तो रसा कसा दे विच फसे हुए हैं जिंदगी दे स्वादा दे विच फसे हुए हैं और ये अपने आप नूं अपनी तारीफ दे विच फस के असी जिहड़े है
यही साडे कर्म रह गए ने। हे मेरे वाहिगुरु, असी रसा कसा च फसे ते अपनी अपनी पिठ दे उत्ते थापी देण वाले हैं। फिर बाबा बोली है, पत होए उत्तम से दर उत्तम कही है, नीच करम बह रोए रस। हुण गुरु साहब ने डिस्क्राइब किया है भी ऐसा की है जिन्हें सानू फाया होया है, उस दे विच सोना है, उस दे विच चांदी है, उस दे विच खूबसूरत औरत है, उस विच घोड़िया का जड़ा है वो चा है, और सोने घर रहन की गल है, मिठे दे नाल जुड़ जड़ा है उसनू इंजॉय करना है, मास नू खाना है, रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास, के इन्हां असी खुशबुआ च सोना चांदी इकट्ठा करन च घोड़े सेजा मंदर रस मीठा रस मास इहदे च फसे होए, इत्ते रस शरीर कै कै घट नाम निवास, कि जिथे इन्ने रस साडे अंदर जिन्हां ने सानू फाया होया है ते इन्हां दे अंदर रब किवें आके वस सकदा है, इस किवें रब दा निवास हो सकी है। जित बोली है पत पाई है, सो बोलिया परवान, फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान, कि जो असी सच बोलांगे उही पतवान असी होवांगे, उही रब दी दरगाह परवान होएगा। फिक्के बोल कोड़े बोल ये खवारी दंदे ने, यह मूरख मन ये समझ के पाई तू उस रब दी सिफत सलाह कर, जो तिस भावै से भले होर के कहण वखाण, कि सानू उही कहना चाहिदा जो उस रब नू चंगा लगदा है, होर साडे कोल कहण नू कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मुल नहीं पैना। तिन मत तिन पत तिन तन पल्लै पल्लै जिन हिरदै रहा समाए, तिन का क्या सलाहना अवर सवाल्यो काहे काए, नानक नदरी बाहरे राचै दान ना नाए। गुरु साहब फरमांदे ने कि भाई एक गल का ध्यान रखो, तिन मत तिन पत तिन तन पल्लै जिन हिरदै जिन्हां दे दिल दे विच रब वसदा है उन्हां दे कोल ही मन उन्हां दी माती शुद्ध हुंदी है, उन्हां दे कोल ही पत हुंदी है। असल धनवान वो ने, असल रब दी याद दी दौलत उन्हां दे कोल है, उन्हां नू कोई की उन्हां दी तारीफ कर सकदा है, उन्हां तो सोहणा होर कौन हो सकदा है। अवर सवाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ना नाए। गुरु नानक साहब फरमांदे ने कि जिन्हां दे उत्ते रब दी निगाह नहीं है, रब दी नज़र नहीं है, रब दी बख्शिश नहीं है, वह किसे पास्यों भी जड़ा वो रुलन दे उत्ते ही हुंदे ने, राचे दान ना नाए, वो उस रब दी दरगाह दे विच कोई भी रुतबा हासिल नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अज्ज के अहम इशू ते अज्ज दा विचार साडे दर्शकां नाल सांझा कीता। स्वागत है अपने व्यूअर्स कोले ने इजाजत। व्यूअर्स, साडे प्रोग्राम दा समां इत्थे समाप्त हुंदा। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजणा भुलना साडे इस पते ते sos@tv4.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लै के फिर दुबारा तुहाडे सामणे होवांगे। तद तक लई मैनूं ते अपना नाम सुणा गया दो देखदे रहो tv4। बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रब राखा।